आप लोग अगर बाइनेंस से अगर आप अपने बैंक अकाउंट पे या फिर अपने यूपीआई किसी भी एड्रेस पर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पी टू पी से ट्रांसफ़र आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पी टू पी मीडियम से आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने यूपीआई एड्रेस पर, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी यहाँ पर यूएसडीटी हो, जो भी आपके पास अमाउंट हो, वो बाइनेंस में फंडिंग में हो। यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ओवरव्यू में देख सकते हैं, फिएट एंड स्पॉट में देख सकते हैं। तो आपका बैलेंस जो होना चाहिए वो फंडिंग में होना चाहिए, फंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फंडिंग में देख सकते हैं मेरे पास $20 के करीब में यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके पास फिएट एंड स्पॉट में पक्का बैलेंस होगा, देखिए मेरे पास अभी स्पॉट में लगभग बहुत कम बैलेंस है, तो आपको अगर आपका पैसा स्पॉट में होगा तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं पी टू पी मीडियम से। तो उसके लिए आपको यहाँ पहले स्पॉट से आपको ट्रांसफ़र करना होगा। किस में ट्रांसफ़र करना होगा, तो आपको फंडिंग में जाना होगा, देख सकते हैं फंडिंग में जा करके आपके पास जितना है वो आप मैक्सिमम यहाँ पे करके कन्फर्म कर दीजिए, तो आपका फंडिंग में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि बाइनेंस कोई भी फी नहीं लेता है आपको इंटरनल ट्रांजेक्शन में, जैसे आप फंडिंग से फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे फिएट स्पॉट से डायरेक्ट फंडिंग में या फिर फंडिंग से अपने बैलेंस को आप फिएट स्पॉट में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो बाइनेंस कोई भी फी नहीं लेता है इसके लिए आपको, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांजेक्शन्स है बाइनेंस के। तो अब आपको क्या करना है, मैं अपना जो भी अमाउंट है वो फंडिंग में ला चुका हूँ पहले से ही, देख सकते हैं मेरा अमाउंट यहाँ पे यूएसडीटी में है, यूएसडीटी आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन करके। अगर आपके पास बीटीसी है तो कन्वर्ट करके आप लोग उतना का यूएसडीटी आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इथेरियम है तो आप सबसे पहले उसको यूएसडीटी पेयर में चेंज कर लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट में जा करके। अब यहाँ पे देखिए बाई एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो बाई एंड सेल के ऑप्शन में जाएंगे और के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमको बाई करना है या सेल करना है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो हमको सेल करना है तो हम सेल के ऑप्शन में जाते हैं, बिल्कुल सेल के ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे देखिए आप आइनर में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आइनर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री से हैं उसका यहाँ पे फिएट का जो यहाँ पे करेंसी सिंबल है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फोन पे से हम करना चाहते हैं इंडिया, यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हैं, पेमेंट किस तरह से आपको लेना है, आप किस कंट्री से हैं वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फिल्टर्स दिए हैं, फिल्टर्स आप लोग यूज कर सकते हैं। हमको देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूएसडीटी आपको यहाँ पे यूएसडीटी कन्वर्ट करके आपको आइनर देने वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है, उनका नाम दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एक यूएसडीटी का वैल्यू भी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए लिमिट दिखाया जा रहा है आपको कितने रुपए तक। तो हमको लगभग $20 यानी 1600 रुपये कड़ी में विड्रॉ करना है, तो हम इस रेंज में देख लेते हैं किसी को। और यहाँ पे सक्सेस रेट भी देख सकते हैं इन लोगों का, तो यहाँ पे देखिए इस पेज में तो नहीं है, दूसरे पेज में जाते हैं, ये देखिए इस तरह करके स्क्रॉल डाउन करके आप लोग सेकेंड पेज में जा सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक रेंज मिला, यहाँ पे देखिए 1000 यहाँ पे ये भी है। अब इनका सक्सेस रेट अच्छा है 99.7%, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल यूएसडीटी करते हैं। सेल यूएसडीटी करने के बाद यहाँ पे देखिए हमको अपना यहाँ पे ऑल कर देना है, हमारे पास 20 है तो यहाँ पे देखिए 1632 रुपये हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सेट माय पेमेंट मेथड कर देना है, किससे लेना चाहते हैं तो यूपीआई से लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यूपीआई सेलेक्ट कर दिए। अब हम अपना यूपीआई यहाँ पे डाल देते हैं, अब यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन करा ही लेना है क्योंकि वेरिफिकेशन करने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे अब यहाँ पे सेल यूएसडीटी कर देना है, सेल यूएसडीटी करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करना होगा, सक्सेसफुल यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो उनका चैट सेशन ओपन होगा। अब हमको पहले विड्रॉल अपना ले लेना है, जो यहाँ पे डिप पहले हमको जो भी विड्रॉल है वो ले लेना है। यहाँ पे देखिए यूपीआई ऐसा हो चुका है, यहाँ पे मेंबर से चैट भी कर सकते हैं, इधर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यहाँ पे करना है आपको प्रेस। यहाँ पे देखिए हम अपना बैलेंस भी चेक करते रहते हैं वहाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करके आप लोग देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे पेमेंट जहाँ से आने वाला है उसका डिटेल्स, उसका पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, उसका सक्सेस रेट यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है कितने टाइम वो पॉजिटिव, उसका एवरेज टाइम रेट क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग यहाँ पे जो है ये ट्रेडिंग का जो भी यहाँ पे
ये नेम है, यूजर आईडी है, यहाँ पे देखिए ईमेल इसका वेरीफाइड है, एसएमएस वेरीफाइड है, आईडी वेरिफिकेशन वेरीफाइड है, एड्रेस वेरीफाइड है बाइनेंस की तरह, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रॉड वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसने लास्ट 30 डे में कितना किया है, ऑलरेडी इसका इतना दिखा रहा है, 30 डे कंप्लीशन रेट इतना है, देख सकते हैं एवरेज टाइम, तो यानी कि यहाँ पे देखिए एवरेज इसका रिलीज टाइम है यहाँ पे 14 मिनट कड़ी में, और एवरेज पे टाइम इसका देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं इनसे तो आपको लगभग 50-60 मिनट तक का इंतजार यहाँ पे करना होगा। तो इस तरह का यहाँ पे देखिए इनका पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं लगभग 50-60 मिनट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेमेंट है वो आ चुका है मेरे बैंक अकाउंट पे, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ रिलीज पेमेंट। तो अब यहाँ पे अब रिलीज करना है हमको पेमेंट, तो यहाँ से अब हम पेमेंट रिलीज कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओपन कीजिए कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे ऐसा आएगा सेल यूएसडीटी टू ट्रेडिंग, तो जैसे यहाँ पे देखिए पेमेंट पेंडिंग हो चुका है कंप्लीट रिलीज क्रिप्टो, अब यहाँ पे जो बायर है उसे क्रिप्टो रिलीज करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए मेरे यूपीआई आईडी पे मिल चुका है, अब यहाँ पे पेमेंट रिसीप्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर कंफर्मिंग द पेमेंट बी सी यू द क्लिक द पेमेंट रिसिप्ट, तो हम अपने बैंक अकाउंट पे चेक कर ले रहे हैं मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है, तो यहाँ पे अब हम आसानी से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे पेमेंट को, पेमेंट मेरा रिसीव हो चुका है, तो पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना होगा, और पेमेंट रिसीव पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दो दो ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फोन नंबर वेरिफिकेशन कोड आपको जाएगा, फोन नंबर वेरिफिकेशन कोड आपको फिर से डाल देना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, हम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड डालते हैं, यहाँ पे सबमिट का ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा, और जो भी आपका यूएसडीटी है वो जितना यूएसडीटी का आपके पास अमाउंट एड हो चुका है वो यूएसडीटी आपके अकाउंट से कट जाएगा।